तो अगर आप भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल करना चाहते हैं तो कॉल करें, हमारा नंबर अब टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होगा, 01207153431 7153432 431 और 432 एक्सटेंशन है। इन नंबर पर कॉल करके आप हमारे एक्सपर्ट से जो कि स्टूडियो में मौजूद हैं आपके सवाल पूछ सकते हैं। तो घर में खिड़की दरवाजे कितने इम्पोर्टेंट हैं और इनकी दिशा पर क्यों देना चाहिए ध्यान, ये आपको बताएगी हमारी एक खास रिपोर्ट। वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन पर गहरा असर होता है। वास्तु का दरवाजों और खिड़कियों से गहरा संबंध होता है। अगर ये घर में सही जगह पर सही तरीके से बनी हो तो आपके घर में सुख समृद्धि जरूर आएगी। किसी भी घर का मुख्य द्वार होना बेहद जरूरी है। मुख्य द्वार के सामने कोई पेड़, दीवार, खंभा, कीचड़, हैंडपंप या मंदिर की छाया नहीं होनी चाहिए। घर का मुख्य दरवाजा छोटा और पीछे का दरवाजा बड़ा होने से आपको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, घर का मुख्य द्वार घर के बीचों बीच न होकर दाएं या बाएं की ओर होना चाहिए। दरवाजा खोलते और बंद करते समय किसी प्रकार की चरमराहट की आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी हो तो इससे घर का विकास और बुद्धि कम होती है। घर में एक सीट में कमरे होने से घर के सदस्य अक्सर बीमार रहते हैं। अगर आपके घर के मुख्य द्वार में वास्तु दोष है तो आप घर के द्वार पर विंड चाइम लगाएं, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। बात अगर घर में खिड़कियों की करें तो घर में इनकी संख्या कम होनी चाहिए। विषम संख्या की खिड़कियां घर में उतार चढ़ाव लाती हैं। खिड़कियां सम होने से परिवार में समानता रहती है। ऊंची नीची खिड़कियां परिवार में कलह पैदा करती हैं। रोशनदान भी घर के वास्तु में अहम भूमिका निभाते हैं। रोशनदान प्राकृतिक रूप से आकाश तत्व का स्वरूप है। आपको बता दें कि आकाश तत्व पांच तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आप अपने घर की खिड़की दरवाजों को वास्तु के अनुसार बनाकर घर में सुख शांति को बरकरार रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कहते हैं कि वास्तु का अगर ख्याल रखा जाए तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन और वैभव आता है। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई समस्या है तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आप हमें कॉल करिए, हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, महादेव पहले दर्शक हैं, बहुत स्वागत है आपका महादेव, अपना सवाल पूछे। जी मैडम जी, मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्री से जी कि मेरा मकान जो है पूर्वामुख है। आप थोड़ा तेज बोले। पूर्वामुखी मकान है मेरा, पूर्व दिशा में मेन गेट है। और जो मेरे हालात कैसे चल रहे हैं और सक्सेसता क्यों नहीं मिल रही है, इसलिए मैं सवाल करना चाह रहा था महाराज जी से। चलिए हम संजीव जी से सवाल का जवाब लेते हैं। पूर्वामुखी इनका मकान है तो क्या ये ठीक है, और अगर इसमें कुछ बदलाव करना है या कुछ ऐसी विधि जिनसे इनकी जिंदगी अच्छी बीते। संजीव जी, मुझको ऐसा लगता है कि इनके मकान के सामने द्वारवेद है जिसकी वजह से इनको ये परेशानी हो रही है। अगर ये अपने उस द्वारवेद को पहचान के ठीक करा लेंगे तो उनकी समस्या का निदान हो जाना 100% है। चलिए तो ये वजह हो सकती है, उसको ठीक कराएं आप, और ठीक कराते ही देखिएगा कि कितना बदलाव आएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वास्तु कहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स, वास्तु का अगर ख्याल रखे मकान बनता है तो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। इस पर जान लेते हैं संजीव जी से। संजीव जी, वास्तु से कई लोग पहले नहीं ध्यान देते थे, लोग पहले इस तरह से घर नहीं बनवाते थे, लेकिन अब लोग वास्तु का ख्याल रखने लगे हैं। कितना फर्क पड़ता है अगर वास्तु का ख्याल रख के मकान बनाया जाता है तो कितना फर्क इससे पड़ता है? देखिए दिशाएं दशा बदलती है, ये बिल्कुल निश्चित है। अगर हम लोग वास्तु का पहले भी ख्याल करते थे, लेकिन पहले बड़े लोगों में इसका ज्यादा प्रचलन था, लेकिन कुछ समय से आम लोगों में, पिछले 20 वर्ष से आम लोगों में आया है, तो इसका दायरा बढ़ गया है। वास्तु को अपनाने से निश्चित तौर से हमारी लाइफ स्टाइल में बदलाव आता है और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, जिससे हमें रहने में, हमें काम करने में गुड फीलिंग मिलती है। साथ ही दोस्तों, हमारे यहाँ हवा का जो दबाव रहता है वो पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब, यानी कि पूर्वा और पछवा के रूप में रहता है,
जब घर के अंदर एयर की लोकेशन बिल्कुल ठीक होगी, उसका जो प्रवाह है वो बिल्कुल ठीक होगा, तो निश्चित तौर से घर काफी हद तक हमारा ठीक रह सकता है। इसलिए दिशाओं के आधार पर हम अपने घर का निर्माण करें तो हम ज्यादा पॉजिटिव रह सकते हैं, सकारात्मक रह सकते हैं, अपने काम को, अपनी नींद को, अपनी दिनचर्या को हम सुव्यवस्थित कर सकते हैं। जी, तो ये महत्वपूर्ण वजह है जिसके लिए वास्तु का ख्याल रखना चाहिए। और अगर आपने अब तक नहीं ध्यान दिया और अगर अब आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। दर्शक हमारे साथ रेखा जुड़ गई है। रेखा, क्या सवाल है आपका, पूछे। हेलो, हमारे ना दोनों तीन बच्चे बहुत बीमार रहते हैं घर में, उनको मतलब तबीयत ठीक नहीं रहती, अक्सर वो बीमार ही रहते हैं। अच्छा, बीमार रहते हैं, तो आप ये जानना चाहती हैं कि वास्तु दोष तो इसके पीछे वजह नहीं है। आप ये बता सकती हैं कि आप फ्लैट में रहती हैं या घर में रहती हैं? घर में रहती हूँ। घर में रहती है तो निश्चित तौर से जो आपका ब्रह्म स्थल है, जैसा भी आपने देखा होगा कि ब्रह्मस्थल के बंद होने से आकाश जो तत्व है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस घर का ब्रह्मस्थल बंद रहता है, जहां पर आंगन नहीं होता, वहां पर हवा की निकासी घूम कर आती है, जहां पर एनर्जी का जो लेवल है वो डाउन रहता है, ऐसे घर में महिलाएं और बच्चे अक्सर बीमार देखे जाते हैं। आपको चाहिए कि अपना हवा का जो सर्कुलेशन है उसको प्रॉपर करें। इसके लिए आप चाहें तो जो एयर फिल्टर होते हैं वो आप अपने विंडो पे लगा सकती हैं, उससे आपको सहायता मिलेगी और आपके यहाँ बीमारियां कम हो जाएंगी। चलिए, निश्चित तौर पर तो ये बहुत आसान सा उपाय है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा और इस लिहाज से अगर आप ध्यान देती हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भावना, एक अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है। भावना, सवाल पूछे। हेलो जी, पूछिए। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल पूछे, अपना नाम भी बताएं। अनवर अली चनावास जी, बताइए अनवर जी, क्या सवाल है आपका? मैडम, हमारे लाइट बिल में चल रही है, मैं फैमिली बात कर रहा हूँ आपसे जी। लाइट चली गई, टीवी चलनी भी है, मैं फैमिली बोल रहा हूँ कि मेरी रसोई के साथ में किचन के साथ में जस्ट नार है। आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही अनवर जी, आप थोड़ा साफ बोलें जिससे हम आपका सवाल सुन पाए। मैडम, मैं कह रहा हूँ किचन के जस्ट सामने नार है मेरे, ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, गैस के मिलने के लिए किचन का गैस है, उनके जस्ट सामने नार बनी हुई है हमारे ऊपर करने के लिए। अच्छा अच्छा, उनमें काम क्या है? तो ये कितनी सही है या नहीं, संजीव जी बताएंगे इस सवाल का जवाब। संजीव जी बताएं। देखिए, इसके लिए आप दरवाजे की व्यवस्था ठीक प्रकार कर लीजिए, जो रसोई का दरवाजा है उसके अंदर बदलाव कर दीजिए तो आपकी व्यवस्था ठीक हो जाएगी और आपको मानसिक जो प्रताड़ना वर्तमान में मिल रही है वो आपकी ठीक हो जाएगी। चलिए, दरवाजे की आप व्यवस्था करें और इससे सब कुछ ठीक होता दिखाई दे रहा है संजीव जी को। सविता हमारे साथ अगली दर्शक जुड़ गई है। सविता, सवाल पूछे। सुनाई दे रहा है सविता आपको, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, ये तो सवाल पूछे, टेलीविजन सेट के वॉल्यूम कम कर लें जिससे आप सीधे सवाल पूछ सकें। हम अपना पूजा के घर के बारे में पूछना चाहते हैं, मंदिर के बारे में जी। पश्चिम साइड है, उत्तर उसका मुंह है, ठीक है? चलिए, ये जान लेते हैं हम। संजीव जी, और जो दर्शक जुड़े हैं जिनको ये नहीं पता कि मंदिर किस डायरेक्शन में रखना जाता है, उनके लिए भी ये सवाल बहुत मददगार होगा। बताएं किस डायरेक्शन में रखना अच्छा होता है। देखिए, मंदिर के लिए हम लोगों को, जो हम लोग मंदिर में अगर जाते हैं तो वहाँ का विधान अलग है, लेकिन अगर आप घर में पूजा करते हैं तो आपका मुख, यानी कि पूजा करने वाले का मुख सूर्य की तरफ यानी कि पूरब की तरफ होना चाहिए, और मंदिर का जो मुख है वो निश्चित तौर से पश्चिम में होगा, तभी आपको देवता आपके दिखाई देंगे। तो निश्चित तौर से आपको यदि पूजा के अंदर मन लगाना है और ईश्वर को प्राप्ति की तरफ बढ़ना है तो आपको पूरब की तरफ मुख करके पूजा करनी चाहिए। चलिए, यानी कि आप ये समस्या भी लोगों की दूर हो जाएगी इस सवाल के साथ। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि आखिर मंदिर किस तरफ रखें जिससे ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी भगवान जी से हो पाए। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। हेलो, राहुल बोल रहा हूं जी। बताइए राहुल जी। तो चलिए संजीव जी से जान लेते हैं। संजीव जी बताएं।
मुझको ये जरूर जानना है कि आपका जो पीपल का पेड़ है वो किस दिशा में है। क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल जी? जी जी। किस दिशा में है वो पीपल का पेड़, संजीव जी ये जानना चाहते हैं। मेरे घर के दक्षिण दिशा में है, छाया जो आधे घर के ऊपर आवश्यक है, उसका काफी विशाल पेड़ है, छाया घर के ऊपर पड़ती है। अच्छा, दक्षिण दिशा में है और छाया घर पर पड़ती, बताएं संजीव जी इनको। देखिए मित्र, आपका जो दक्षिण दिशा के अंदर पीपल का पेड़ है ये आपके लिए पॉजिटिव है, आपको लाभ देने वाला है। मन में कोई संकोच ना रखें पीपल के पेड़ से। ऐसे घर में जहां पीपल का पेड़ दक्षिण में होता है, निश्चित तौर से वहां पर शांति बनी रहती है। रात को हवा चलने पे उससे आवाज जरूर आती है, लेकिन आप उससे विचलित कभी ना होइए। दक्षिण के क्षेत्र में पीपल का पेड़ हमेशा आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, और वैसे भी पीपल का पेड़ हमेशा ऑक्सीजन देता है, इसलिए आपको इस चीज की चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चलिए तो चिंता मत करिए, सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है। महबूब अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूछिए सवाल। आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं जी, सवाल पूछिए। हमारे तो काम में दिक्कत आ रही है। काम में आपकी दिक्कत आ रही है? हमारे काम में प्रॉब्लम आ रहा है। वास्तु दोष आपको लग रहा है इसके पीछे वजह है? चलिए संजीव जी इनसे पूछ लीजिए, अगर आपको लगता है कि कुछ जुड़ा हुआ है इनके काम से ऐसा सवाल। देखिए आपको, मुझको लगता है कि आपकी रात को नींद पूरी नहीं होती है, जिससे आपका जो बोलने का तरीका है, जो समझने का तरीका है, उसमें कहीं ना कहीं आपको आराम में कमी महसूस करता हूँ। ऐसी स्थिति में आपको अपने घर के साउथ वेस्ट में दक्षिण की तरफ को, यानी कि साउथ की तरफ सिर करके सोना चाहिए। इससे आपके लाइफ स्टाइल के अंदर बदलाव आएगा, आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, निश्चित तौर से काम में मन लगेगा और आपको लाभ होगा। चलिए तो किस तरह सोना चाहिए ये भी हमें जानकारी मिल गई, और भी दर्शक जो हमारे साथ जुड़े जिनका ये सवाल नहीं था उनके लिए भी ये जवाब बहुत महत्वपूर्ण हो गया। इसी के साथ भावना हमारे साथ अब जुड़ गई है, भावना सवाल पूछे। भावना आप हमें सुन पा रही है? हाँ जी जी। सवाल पूछना है, उत्तर उत्तर साइड टॉयलेट हो तो उसका क्या निवारण, और दक्षिण साइड खिड़कियाँ हो तो वास्तु दोष लगता है, क्या उपाय उसके लिए? चलिए संजीव जी आपको उपाय बता देंगे, उपाय बताएं संजीव जी। और दक्षिण की तरफ यदि विंडो है तो सुबह और शाम उनको खोलने में कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन दोपहर में अल्ट्रावायलेट किरणें वो आपको नुकसान दे सकती हैं, घर में गर्मी को बढ़ा सकती हैं। ऐसी जगह ऐसे वक्त में आप खिड़कियों को बंद करके मोटा पर्दा डालें। उत्तर की तरफ जो खिड़कियां हैं वो हमेशा लाभकारी हैं, क्योंकि कभी भी सूरज की रोशनी उत्तर से घर में प्रवेश नहीं करती है, तो उसे आप दोपहर में खोल के रख सकती हैं। वो आपके घर को आपको शांति देगी, यही आपके लिए लाभदायक है। चलिए संगीता आप अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। संगीता क्या सवाल है आपका, पूछे। अभी हमारे घर के अंदर बीमारी बहुत रहती है और कलेश भी पैदा होता है। कलेश बहुत होता है, बीमारी बहुत रहती है। संजीव जी आपको इनसे कुछ पूछना है घर के इनके स्थिति के बारे में? इनका घर बहुत ज्यादा खुला हुआ है, जिसकी वजह से इनके घर के अंदर जो सूरज की मात्रा है वो बहुत ज्यादा बनी रहती है, जिसकी वजह से इनके घर के अंदर लोग चिड़चिड़े हो गए हैं। हमारे वास्तु के अंदर जो पांचों तत्व हैं वो बैलेंस होने चाहिए, सभी का बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि अग्नि का क्षेत्र बढ़ जाए तो वो लोगों की स्टाइल में परिवर्तन कर देता है। ऐसे लोग थोड़ा गुस्सियारे हो जाते हैं, दूसरे की बात को कम बर्दाश्त करते हैं, तो ऐसे लोगों को दोपहर के वक्त में कमरों में रहना चाहिए, वो इनके लिए लाभकारी होगा। चलिए दोपहर के वक्त कमरे में रहें और खास ख्याल रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक मोहम्मद हमारे अगले साथी जुड़ गए हमारे साथ, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम ये सवाल है मेरा जी, पूछिए सवाल पूछिए। मेरे घर उत्तर की तरफ मेरा घर का गेट है जी, उत्तर की तरफ मेरा गेट है जी, और घर में रसोई है, पश्चिम की तरफ मेरी रसोई है। अच्छा ठीक है, आगे बोलिए। पश्चिम की तरफ गेट है, रसोई का गेट है जी, और उसके जस्ट सामने नाल है। ठीक है, उसके जस्ट सामने नाल है, और घर में दिक्कत रहती है, मतलब गर्मी में बहुत परेशानी होती है।
चलिए, इन्होंने अपना बता दिया है कि इस डायरेक्शन में क्या है। संजीव जी, परेशानी की वजह क्या है? आपको करना ये होगा, आपकी परेशानी के बारे में ज्यादा नहीं जब मालूम आपकी बातों से हुआ है, लेकिन आपका निदान एक तरीके से हो सकता है कि आपका जो दक्षिण में लगा हुआ मेन गेट है उसके आसपास आप रेड कलर के परिवार का कोई भी कलर आप कराइए और उत्तर की तरफ आप हरा रंग करा दीजिए, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमारे देश के अंदर कलर थेरेपी का बहुत बड़ा योगदान है वास्तु में, और कलर से आप बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। चलिए, तो कलर्स का भी खास ख्याल रखा जाता है वास्तुशास्त्र के अंदर, और इसका भी असर जैसा कि बता रहे हैं संजीव जी काफी ज्यादा पड़ता है। किस तरह से अगर आपके घर में आपको लगता है कि वास्तु दोष है, आपको लगता है कि गलत डायरेक्शन में चीजें लगी हुई हैं, उस पर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन में फ्लैश हो रहे हैं। संजीव जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में हैं। संजीव जी, एक जनरलाइज क्वेश्चन अगर पूछे उन दर्शकों के लिए जिनका कॉल नहीं मिल रहा है, कई दर्शक ट्राई कर रहे होंगे, किस डायरेक्शन में क्या होना अच्छा होता है, रसोई किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, ड्राइंग रूम या बेडरूम, उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए। देखिए, आपने आम जनता के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमेशा जो हमारा सिद्धांत रहा है वो अग्निकोण के अंदर रसोई, और अगर किसी की अग्निकोण में यानी कि साउथ ईस्ट में रसोई नहीं बन पाए तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर रसोई बनाने का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार जो हमारा बेडरूम है वो मालिक के लिए साउथ वेस्ट यानी कि नेतृत्व में, या बच्चों के लिए पश्चिम में, जिन बच्चों की शादी होने में कुछ कमी आती है उसके लिए वायव्य में यानी कि नॉर्थ वेस्ट में हमेशा लाभ रहा है। लेकिन आज के समय में जब हमारे पास जगह कम हो गई है तो हम लोग अपना जो केंद्र भाग है जिसको हम लॉबी के रूप में कन्वर्ट करते हैं वो बनाने लगे हैं। इससे हमारे घर का जो वातावरण है वो थोड़ा परिवर्तित हो गया है। अब हमारे यहाँ पेशेंस की कमी हो गई है, जो आकाश तत्व है वो एक चीज को दूसरी चीज तक ले जाने में सहायक होता है। जब हम उस तत्व को, धरती तत्व को खराब कर देंगे तो हमारे पेट के ऊपर और हमारी वाणी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा और हमारे में दूसरे को सहने की शक्ति कम हो जाएगी। अतः मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, अगर आप वास्तु को मानते हैं तो आपको भ्रम स्थल यानी केंद्र भाग को थोड़ा खुला छोड़ना चाहिए, साथ ही रसोई को कोशिश करें साउथ ईस्ट में बनाए, अगर किसी तरह नहीं बन पाती है तो नॉर्थ वेस्ट में बनाइए। साथ में बेडरूम बनाने के लिए वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट है। अब भोजन करने का जो कक्ष है रसोई के साथ आप पूरब में बनाइए यानी कि ईस्ट में बनाइए, लेकिन आजकल लोगों के मन में है नॉर्थ ईस्ट में मेन गेट लगाना। मेरा आप लोगों से सुझाव है नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान में मेन गेट लगाने से बचना चाहिए, ये हमेशा गंदगी को घर के अंदर लेके आता है जिससे हमारे यहाँ नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। चलिए, ये तो एक ओवरव्यू हमने जान लिया। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिषेक, उनका सवाल भी देख लेते हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछे सवाल पूछे अभिषेक। हाँ जी, नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार, बताएं सवाल बताएं। हमारे घर में नॉर्थ में सीढ़ियां बनी हुई हैं तो इसका क्या उपाय है? चलिए संजीव जी से जान लेते हैं, संजीव जी बताएं। नॉर्थ की सीढ़ियां अगर ग्राउंड फ्लोर तक बनी है और उसके ऊपर मुंटी नहीं बनी है तो आपको उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन नॉर्थ का क्षेत्र मुंटी बन जाने के बाद यदि भारी हो जाता है तो उससे आपके धन में नुकसान होता है, मानसिक चिंतन में फर्क आता है। ऐसे में साउथ वेस्ट को आपको भारी करना चाहिए, उस तरफ आपको एक कमरा बना लेना चाहिए या कोई पिलर लगाकर उसके ऊपर झंडा लगा के भी आप उसको भारी कर सकते हैं, तभी आपको इससे लाभ मिलना शुरू होगा। चलिए, तो ये आपका सवाल का जवाब हो गया और लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो। हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ गए हैं, पूछिए अपने सवाल और नाम भी बताएं। मेरा भीमनारायण प्रसाद नाम है जी, बताइए। बिहार शरीफ से बोल रहे हैं जी, सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि मेरा मकान का दरवाजा उत्तर साइड है और उसमें हम एक गाय पालन करना चाहते हैं डेयरी के लिए, तो कौन सी साइड में बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसके लिए सुझाव जानते। चलिए सुझाव हम ले लेते हैं संजीव जी से, बताएं संजीव जी। गाय अगर पालनी है या भैंस पालनी है तो आपको पश्चिम के क्षेत्र में उसको पालन करना चाहिए, लेकिन गाय को खड़े करते हुए उसका मुंह पूरब में रखना चाहिए, आपकी गाय दूध भी अच्छा देगी और काफी समय तक वो आपका साथ भी देगी। चलिए, ये तो आपके जरूरत की जानकारी हो गई, हमने
लगातार आपके सवालों का जवाब दिया है, लेकिन अगर आप अभी भी कॉल मिलाना चाहते हैं तो हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, कॉल नहीं मिल रहा, परेशान मत होइए, लगातार ट्राई करते रहिए, आपके सवालों का जवाब संजीव जी देते रहेंगे। हमारे साथ मंगल जुड़ गए हैं, अगले दर्शक। मंगल बताएं, सवाल क्या है आपका? जैसे मकान बनाते हैं इसमें जो सही दिशा ना होकर आड़ी आड़ी तिरछी दिशाएं आ जाती हैं जी, उन मकानों का क्या फर्क पड़ता है लाइफ से? जैसे बिल्कुल उत्तर को मुख ना होते थोड़ी कौन लाइफ से चले जाए मकान जी, चलिए संजीव जी से जान लेते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है, शायद बहुत से लोगों की परेशानी होगी, जवाब दें संजीव जी। देखिए आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, शायद बहुत सारे लोगों को लाभ होगा इसका। आप मकान बनाते हुए दिशाओं का ध्यान रखें, उसकी जो दिशाएं हैं दिशा के साथ साथ उसकी जो लाइन है उसको सीधा रखिए, उसको मत मोड़िए, जो फालतू जगह है उसको आप छोड़ दीजिएगा, या उसमें अलमारियां बना के कमरे के साथ आप जोड़ सकते हैं। वही बात दिशाओं के टेढ़े होने की, उसके अंदर आपका कोई भी रोल नहीं है, वो जिस तरह डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाती है वैसा ही आपको मिलता है। लेकिन जब हम घर बनाते हैं हमें दरवाजों को कभी भी सिंधी जगह पर जहां पर पूरब और उत्तर मिलते हैं, जहां पर पश्चिम और उत्तर मिलते हैं वहां पर नहीं लगाना चाहिए, उसको बिल्कुल रेगुलर वे में, पूरब है तो पूरब में लगाएं, उत्तर है तो उत्तर में लगाएं, दक्षिण है तो दक्षिण में लगाएं, उससे आपको लाभ होगा। चलिए ठीक है, तो ये तो आपकी जानकारी हो गई और ये सभी के लिए मेरे ख्याल से काफी हेल्पफुल होगी। हमारे साथ विजय आप जुड़ गई हैं, विजय सवाल पूछे। हेलो जी, पूछे सवाल। मैडम मेरा घर के लिए पूछना था जी, बताइए सवाल पूछिए। हेलो, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल रखें। अपने मेरे घर का जो मेन गेट है ना जी, वो गेट दक्षिण दिशा में है। ठीक है, चलिए इनका सवाल पूरा नहीं हो पाया, मुझे लगता है इनका घर का गेट जो है दक्षिण में है, तो इनके लिए बता दें क्या है, ये सही है या क्या उपाय करें? देखिए दक्षिण का गेट कभी बुरा नहीं होता है, यदि हमारी घर को हमने वास्तु के हिसाब से बनाया है तो दक्षिण का भार को थोड़ा भारी करिएगा, उत्तर के क्षेत्र को थोड़ा हल्का करिए, पूरब के क्षेत्र से हवा आनी चाहिए, आपका घर बिल्कुल ठीक रहेगा, आपको उस घर से कोई परेशानी कभी भी नहीं होगी। चलिए उस घर से परेशानी नहीं होगी, यानी कि कोई परेशानी की बात नहीं है, और ये तमाम जानकारी आज हमें संजीव जी ने भी बताया कि किस तरह से किस डायरेक्शन में क्या चीजें होनी चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई, हमारे कॉलेज के लिए भी। बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आपको बता दें हम कल फिर हाजिर होंगे आपकी परेशानियों का हल लेके, तब तक के लिए बाय बाय। सुरक्षा जिनके हाथ, वक्त आने पर जो बलिदान को तैयार, जिनकी शौर्य गाथाएं बनी मिसाल, ऐसे हैं राजस्थान पुलिस के जवान। बतौर पुलिसकर्मी जो समाज में सम्मान के हकदार हैं, उस सम्मान को देने का बीड़ा हम मीडिया के लोग उठाएं। पहला अवसर है जब किसी चैनल ने पुलिस के अच्छे कामों को स्वीकार किया, सराहाया। अगले वर्ष से प्रोग्राम होगा और इससे भी भव्य और शानदार होगा। 2015 की तरह ही राजस्थान न्यूज फिर करेगा उनका सम्मान। पुलिस अवार्ड 2016 23 दिसंबर 2:30 बजे। बनना में आवे है बनने की याद, और बनने में क्या आवे है अलग अलग डिमांड।
ऑडिशंस हो रहे हैं अजमेर 22 दिसंबर सेंट्रल एकेडमी स्कूल नियर पत्रकार कॉलोनी कोटरा अजमेर। रजिस्ट्रेशन और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें vrajasthanews.com/talenthunt या ZTH स्पेस अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 57575 पर और देखते रहिए प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल वी राजस्थान न्यूज। रे कबीरा मानदा रे फकीरा यूनदा। जमकर प्रैक्टिस चल रही है, आजमाइश कड़ी है, हौसला बुलंद है क्योंकि इस बार अपना चांस है। देख लेना मैं ही बनूंगा वो अगला सितारा। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें vrajasthanews.com/talenthunt या ZTH स्पेस अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 57575 पर और देखते रहिए प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल वी राजस्थान न्यूज। आयोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रस्तुतकर्ता कश्मीरी केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा और 90 वर्षों से महिलाओं की आयुर्वेदिक औषधि वर्टोनिक हेल पुष्पा। सीएम राजे का उदयपुर दौरा, संभाग स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का किया उद्घाटन, थोड़ी देर में करेंगी सभा को संबोधित, सरकार के 3 साल पूरे होने पर है कार्यक्रम। बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का बयान, एक आदमी के चलते हो रहा है राजस्थान के खिलाड़ियों का नुकसान, कहा आरसीए को सूचना होगा कौन है जरूरी। सीकर में सर्राफा व्यापारी के ठिकानों पर आयकर विभाग का सर्वे आज भी जारी, राजकुमार सोनी के हवाला से जुड़े हो सकते हैं तार, जल्द हो सकता है करोड़ों की अघोषित संपत्ति का खुलासा। चूरू में शिशु केंद्र के नर्सिंग स्टाफ की बड़ी लापरवाही, प्रसव के बाद नवजात को हीटर के सामने छोड़ा, बुरी तरह झुलसी बच्ची, हालत गंभीर। जोधपुर पुलिस ने ट्रक के केबिन से 35 लाख पकड़े, 24 लाख के नए नोट, भरतपुर से लाया जा रहा था काला धन, 2 लोग हिरासत में। बैंक में केवाईसी है अपडेट तो मर्जी के मुताबिक रकम कराएं जमा, आरबीआई ने 5,000 से ज्यादा की रकम जमा करने पर हटाई पाबंदी, पहले की तरह 30 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे पुराने नोट। कैशलेस लेन देन की ओर सरकार का एक और कदम, 18,000 तक सैलरी कैश में चाहिए तो ऑफिस को लिखकर देना होगा, चेक और ई पेमेंट से भी मिलेगी तनख्वाह लेने की सुविधा। मार्च 2017 तक सबको आधार कार्ड जरूरी, तभी मिलेगी फूड सब्सिडी, केंद्र का राज्यों को डेडलाइन पूरा करने के निर्देश, सूत्रों के हवाले से खबर। जी राजस्थान न्यूज के टैलेंट हंट का काउंटडाउन शुरू, कल से सभी 33 जिलों में तलाशा जाएगा हिडन टैलेंट, 15 से 35 साल तक की उम्र के प्रतिभागी हो सकते हैं शामिल। और बार्क के पैमाने पर 49वें हफ्ते भी जी राजस्थान न्यूज की बादशाहत बरकरार, 63% शेयर के साथ नंबर 1, इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया।